अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर जॉबिक यूट्यूब चैनल में आप सबको शर्मजिद कहता हूँ फ्रेंड्स आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरार कमिस्ट्री का जो पेपर है वो इसे एक वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ आज ये पेपर हुआ है लेक्चरार कमिस्ट्री का ये पेपर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एस पी एस सी के जरिए चौबीस अप्रैल दो हज़ार चौबीस को तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को आपका बग़े टाइम वेस्ट हो ये इसका पेज वन है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी रीड करता जाऊँगा और आपने जो है इसको नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर वन है बाई द स्टॉक ऑफ लक द ट्रूथ डेस एवॉइडिंग अ क्रशिंग तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है प्रेवेलिट क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं कि किसी तो करेक्ट आंसर क्या आता है दो में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है फेमिलेरिटीज क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं कि इन दिनम ऑफ इलिजरी तो तीन नंबर करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है रियल क्वेश्चन नंबर फोर है कि विदाउट पेमेंट आर फी ऑफ कास्ट मीन करेक्ट आंसर क्या आता है फोर में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कनेक्शन सॉरी करेक्ट आंसर जो इसमें आता है ग्रेटिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव है कि वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मोमेंट्री एबरेशन फॉर अशरफ हैज़ डेश मोर स्ट्रेन एंड एनेटी देन एनी अस करेक्ट आंसर क्या आता है फाइव में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये जो सेलेक्ट वर्ड है जो अंडरलाइन दिया हुआ है इसमें जो है करेक्ट जो इसका फ्रेज है या वर्ड है इसको छः में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है डिस्काउट क्वेश्चन नंबर सात को देखते हैं कि सीम्स स्ट्रेस इज अ ओमेन हु फॉर लिविंग करेक्ट आंसर क्या आता है सात में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट uh, आंसर है सीव क्लॉथ क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं कि द किंग वाज डिटरमाइंड टू डेश द ला आठ करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट uh, आंसर है इनफोर्स्ड uh,

कार्बोज एसिड ग्रुप द सी इज इक्वल टू ओ बॉन्ड्स शोज द स्टेक्स पेश शेप्ड बैंड एट द रेंज ऑफ तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है ग्यारह में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है

एनती द इसमें जो करेक्ट आंसर आता है चौदह में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ अमोनिया एसिड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है और फिफ्टीन में जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ जाते हैं और यानी इन क्रोमेटोग्राफ ग्राफिक एनालिसिस द प्रिंसिपल यूज इज तो करेक्ट आंसर क्या आता है तो सोलह में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन को देखते हैं कि तीस ग्राम एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एथेलोल टू फॉर्म फोर्टी ग्रामीट ड्यूरिंग एस्टिफिकेशन देन परसेंटेज यील्ड ऑफ ईस्टर इज तो सतारा में करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है नाइनटी क्वेश्चन नंबर एटी है कि द दाल्टच इज दा न्यूट्रलाइजेशन टू वीक एसिड एट वीक बेस इज अठारह करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन में सॉरी करेक्ट आंसर आता है ए और अठारह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर उन्नीस है और उन्नीस में जो है करेक्ट uh, आंसर आता है उन्नीस में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर बीस है और बीस का uh, जो है अगर किसी को पता है तो काइंडली आप बता दीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आप देख सकते हैं।, हैं कि हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ गए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखते हैं द गिवन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन तो करेक्ट आंसर क्या आता है ट्वेंटी वन में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है और ट्वेंटी टू में जो करेक्ट आंसर आता है बाईस में ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट uh, आंसर है एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है कि ही गेस इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ टेन डी एम विसल इन फाइव सेकेंड द टाइम ऑफ इफ्यूजन ऑफ ओ टू फ्रॉम द सेम होल ऑफ टेन डी एम की पावर थ्री विल बी तो तय इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है फोर्टीन पॉइंट वन सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है विच ऑफ़ द फॉलो मालिक्यूलर मालिक्यूल इज पोलर एंड इट्स डिपोइल मोमेंट इज फाइव पॉइंट थ्री थ्री दर्बे टेन की पावर माइनस थर्टी थेंटीमीटर तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन सी आता है सी सी एल फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की तरफ जाते हैं ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कम्प्लेक्स एन एर रिस्पेक्टिवली तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है ट्वेंटी फाइव में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है और ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आता है uh, ये आता है ऑप्शन ए एफ ई की पावर प्लस टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है द एफ एस एफ बॉन्ड एंगल इन एफ सिक्स आर ट्वेंटी सेवन आंसर क्या आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है नाइंटी डिग्री एंड वन हंड्रेड एटी डिग्री ट्वेंटी है कि इन द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू करेक्ट आंसर क्या आता है अट्ठाईस में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है डेल एच क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है कि यूच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास स्पेक्ट्रम एंड सी एच थ्री बी इज करेक्ट करेक्ट आंसर क्या आता है ट्वेंटी नाइन में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है जस्ट वन पीक ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस एट एम स्लेट जेड वेल्यूज ऑफ नाइन्टी फाइव थर्टी नंबर क्वेश्चन है के मैग्नेटिक जो है इसमें जो करेक्ट आंसर आता है थर्टी में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट uh, आंसर है बोथ ए एंड सी थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है नेचुरल रबर कंजिस्ट पोलिमर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है थर्टी वन में ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है आइसप्रेन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है और थर्टी टू में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन सी द सेल रिएक्शन है और थर्टी थ्री में जो करेक्ट आंसर आता है यह आता है ऑप्शन डी थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इजीरो पॉइंट टू फोर एम इफ द रेट कॉन्स्टेंट इज एट पॉइंट माइनस टू एम माइनस वन एस वाईन एस वन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर ट्वेंटी नाइन सेकेंड थर्टी फोर करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है जीरो पॉइंट जीरो टू एम क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को देखते हैं कि पॉलीमर विच साफ्टन ऑन हीटिंग हीटिंग एंड हार्डन वैन कूल्ड आर तो थर्टी फाइव करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है थर्मोप्लास्टिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है और थर्टी सिक्स में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन सी थर्टी सेवन नंबर है कि ऑफ ऑफ स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है इट इज डिफरेंट बिटवीन द वैल्यूज एंड द ट्रू वैल्यूज थर्टी एट नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो करेक्ट आंसर आता है अट्ठतीस में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है एन आई क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन को देखते हैं प्रोड्यूसिटेडिटेड तो थर्टी नाइन क्या आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है इसके बाद फोर्टी नंबर क्वेश्चन है और फोर्टी नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है इसके बाद फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन है और फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन आप देख सकते तो हैं कंप्लीमेक्ट्रिकेशन ऑफ द केमिकल स्पेशल कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग ई डी टी एज टिट्रेंट तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है फोर्टी वन में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है एक्सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है कि एलिमेंट्स हैविंग जीरो न्यूक्लियर स्पिन कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटरमाइन एट तो फोर्टी टू में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन एक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गलकोनिक एसिड आर तो फोर्टी थ्री में जो करेक्ट आंसर आता है ये आता है ऑप्शन सी फाइव पॉइंट टू फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स तो फोर्टी फोर में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए

फ्रीडेल क्रॉफ्ट अल्केलेशन इज तो फोर्टी सेवन में करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस तो करेक्ट आंसर क्या आता है फोर्टी एट में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है कि डैश और कार्बोजैलिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन करेक्ट तो आंसर क्या है फोर्टी नाइन में ऑप्शन ए नंबर फिफ्टी है और फिफ्टी में जो करेक्ट आंसर कहता है ऑप्शन बी तो फ्रेंड ये था इसका पेपर वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब जिम सी को सपोर्ट करें तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज